विश्व जल दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के मैनेट में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में 6 देशों से 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के साथ आए हुए थे, जिन्होंने अपने सालों की रिसर्च लोगों से साझा की। वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोध को प्रदर्शित किया, साथ ही लोगों को जागरूक करने की बात कही। जल को किस प्रकार बचाएं, इसके बारे में चलिए जानते हैं कॉन्फ्रेंस में आए प्रतिष्ठित लोगों से। विश्व जल दिवस के अवसर पर ये मैनेट भोपाल द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17 सेशन में 162 पत्रों का रिसर्च पेपर का वाचन हो रहा है, लोग आप पढ़ रहे हैं। साथ में 19 हमारे की नोट डिफरेंट फ्रॉम पार्ट फ्रॉम द इंडिया आई हैव डिलीवर्ड द की नोट लेक्चर्स, और IITs एंड IITs के लोग यहाँ पर की नोट लेक्चर दे रिलेटेड विद द वाटर फील्ड, डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द वाटर। पानी का मात्रा सेम है जब से यूनिवर्स बना है और आज, उतना ही पानी है किसका लोकेशन और ट्रांसफार्म हो रहा है। सेम वाटर में सेम वाटर इज मूविंग व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल और वाटर साइकिल, कि इवापोरेशन के रूप में समुद्र से जाता है, फिर इवापोरेशन समुद्र से जब इवापोरेशन के रूप में आता है तो बादल के रूप में पानी में गिरता है। फिर तो ये हमें समझने की जरूरत है कि प्रॉपर पानी का हो रिचार्ज की जरूरत है, कंजर्वेशन की जरूरत है, ताकि आने वाली जनरेशन को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जो आज हम फेस कर रहे हैं। कभी 1970 में किसी ने नहीं सोचा था कि हम पानी हम खरीद कर लेंगे, खरीद कर पिएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो कि आने वाले 2050 तक जैसे पेट्रोल लेने डीजल लेने के लिए हम जाते हैं, तो ऐसा नहीं स्थित हो। इसलिए अभी से कंजर्वेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। उसी क्षेत्र में रिसर्चर हमें काम कर रहे हैं, हमने ये वाटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। अच्छे मेरा एक सवाल है जी, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो नर्मदा जी है, या फिर अगर भोपाल की बात करें जी, तो भोपाल का जो बड़ा तालाब, छोटा तालाब, अन्य जितने भी तालाब है भोपाल में, इन पे किस प्रकार काम करना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में पानी की कमी ना हो। मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो अपने भोपाल में जो भी पानी की जरूरत है, सारा का सारा पानी की पूर्ति ना बड़े तालाब से हो सकता है। सारा का सारा पानी की पूर्ति बड़े तालाब से हो सकता है, लेकिन हमें कोला डैम से लेना पड़ रहा है और इसमें केरवा डैम से लेना पड़ रहा है। उसका जो इरोजन के कारण सेडिमेंटेशन हो रहा है, उसके कारण उसकी कैपेसिटी काफी रिड्यूस हुई है। इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट काम चल रहा है, मोस्टली 6 महीने 8 महीने में एक अच्छा फाइंडिंग आएगा, इसके बारे में हम विशेष रूप से आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये फाइंडिंग जरूर आया है कि यदि हम जितना सेडिमेंटेशन है उसको अपन मैनेज कर लें, रिमूव कर लें, तो हमारी पूरी की पूरी भोपाल शहर के लिए पानी की पूर्ति अपर लेक से हो सकता है। तो अभी जैसे पानी बचाने के प्रति आप अभी किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मास्टर्स ऑफ वाटर इंजीनियरिंग किया था। उस वक्त भी जल की बहुत विकट समस्या थी और मैंने IIC कैंपस में जो भूगर्भ जल है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और मैंने ये पाया कि उस वक्त भी इस समस्या को हल करने के लिए जो इंस्टीट्यूट से वेस्ट वाटर निकल रहा था डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उसको किस तरह से रीयूज़ किया जाए ट्रीटमेंट के बाद। तो एक मार्सी एरिया आइडेंटिफाई किया गया था कैंपस में और उस पर इस वेस्ट वाटर को इकट्ठा करते थे और फिर उससे वो छन छन करके जो पास के जल स्तर को बढ़ाता था और फिर उस भूगर्भ जल का प्रयोग स्विमिंग पूल में या पौधों की सिंचाई के लिए करते थे। तो इस तरह की योजना 1983 में IIC बंगलोर में हमने सजेस्ट की थी और उसके बाद इंस्टीट्यूट ने वर्षा के जल का संचय करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के ऊपर में काफ़ी काम किया। तो ये इंस्टीट्यूट ने एक तरीका दिखाया लोगों को कि इस तरह से करके किस तरह से एक इंस्टीट्यूट के अंदर में जल प्रबंधन अच्छे तरीके से हो सकता है। देश में हमें ये देखना है कि इस वक्त वर्षा की जो स्थिति है, कहीं पर तो बहुत अधिक बरसात हो रही है और इसका उदाहरण आप समझ सकती हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष खासतौर से 2023 में वर्षा ने जिस तीव्र रूप से उसका प्रभाव देखा हमने कि किस तरह से बहुत जगहों पर भूस्खलन हुआ और जो मंडी से लेकर के मनाली तक की नेशनल हाईवे है किस तरह से विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई। यही हमें देखने में आया कि शिमला से चंडीगढ़ से शिमला राजकीय मार्ग जो है जिसको NHAI के तत्वाधान में जो बना था उसको भी बहुत जगहों पर क्षतिग्रस्त हुई।
हमें जनमानव के कल्याण के लिए जो भी जल संसाधन के क्षेत्र में व्यक्ति बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं उनको यह अच्छी तरह से समझना होगा कि वर्षा का जो भी प्रभाव है हमारे जल जीवन पर किस तरह से पड़ रहा है, और अधिक बरसात या बिल्कुल बरसात का न होना, दोनों ही विपरीत परिस्थितियां हैं, और हमको इस तरह से अपने चीज़ों को सुचारू रूप से संयोजित करना है ताकि जो जल भविष्य के भविष्य के जो जनरेशन को पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो। नमस्कार, आपका नाम? आई एम डॉक्टर सिल्वा बालन, आई एम फ्रॉम सेंट्रल वाटर कमीशन खड़कवासला पुणे। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी वर्ल्ड बैंक की तरफ से एड है, दैट वो एड है इसका डैम का सेफ्टी के बारे में, हाउस स्टेट्स कैसा उसको मैनेज करना है उसके लिए डैम का बाड़ी के अंदर हमने पूरा डैम में इंडिया में पूरा जो भी जितना डैम है, इंडिया हैज़ मोर देन 5000 से ऊपर डैम है, सो पूरा का हेल्थ मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है अभी, क्योंकि अभी सभी डैम 50 साल का ऊपर हो गया। सो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 13,000 करोड़ के ऊपर हमको लोन दिया गया, लोन मतलब हमने उसको यूज़ करके वापस रिटर्न करना है। सो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेंसिबली काम करना है जॉइंटली विद स्टेट गवर्नमेंट्स। सो हर डैम में हमने मशीन्स लगाए हैं, जैसा ह्यूमन का बॉडी में जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसा हर डैम में सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स है इंदिरा सागर डैम नर्मदा के ऊपर बनाया हुआ उसके में है, उसके बाद ओमकारेश्वर में मोर देन 50 इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर सरदार सरोवर डैम, फिर उसके बाद पानी तो समुद्र में जाता है। सो आपको ये मालूम होगा नर्मदा में इतने पानी है, वो पानी में हमने मोर देन 50% वी आर वेस्टिंग इन सी। सो अभी एक कल्पसार करके एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रहे हैं, सी के अंदर गल्फ गुजरात में हमने 13 किलोमीटर का एक दीवार बना के सी वाटर को पीछे हटा के उसके अंदर नर्मदा का पानी को स्टोर करना, मतलब इंडिया में इतनी पानी है, पानी अभी फिलहाल वेस्ट ही हो रहा है, मतलब हमको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना है, नया डैम तो बन नहीं सकता है। सो इसमें बेसिकली पॉइंट क्या है, हमने मैनेजमेंट का इशू है। सो मैनेजमेंट कैसा करेंगे, अनलेस अदर टेक्नोलॉजी अपने जब तक यूज़ नहीं करेंगे मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। पहले ये सब एक ही डिपार्टमेंट का कंट्रोल में होता था, मतलब सिविल इंजीनियर से सब कुछ हैंडल करता था, अभी ऐसा नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल सब डिपार्टमेंट का लोग काम करना, बेस मेन है रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट GIS, मैनिट हैज़ अ बिग डिपार्टमेंट, उसमें काफ़ी सारे प्रोफेसर उसमें अच्छे काम कर रहे हैं। इसके थ्रू आपका काफ़ी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अभी जितना अवेलेबल है वो तो मिलने के लिए बहुत अच्छा चांसेस है। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है और रिसर्च भी हो रहा है, और इसके वजह से हमको कितनी पानी इंडिया में पहले अवेलेबल है वो पता चल जाएगा और कितना वेस्ट हो रहा है इसको क्वांटिफाई, अभी तो क्वांटिफिकेशन नहीं, इंडिया में कितने पानी है नोबडी नोस, ये फैक्ट एक्चुअली। हाउ क्यों नोबडी नोज, बिकॉज हमको वाटर सरफेस ही दिखाई देते हैं, पानी के नीचे से मिट्टी कितना आ रहा है उसको पता ही नहीं चलता है, और उसको करने के लिए सेडिमेंटेशन सर्वे होता है, एक एक सर्वे इंदिरा सागर का सर्वे करने के लिए आपको 5-6 महीना लगेगा, वो पॉसिबल नहीं, 900 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। सो छोटे छोटे तावा के लिए आप कर सकते हैं और उसको क्लीनलीनेस हो सकते हैं, बड़े सोर्सेस को नहीं कर पा रहे, इसके कारण हमको पानी कितना अवेलेबल है पता नहीं चलता है, उसको हाउ टू यूटिलाइज। सो इसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है।